रियान पराग की रही है काफी उम्दा परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बाद बात की जाए ट्विटर के ऊपर या फिर बड़े बड़े दिग्गजों की तरफ से यही प्रतिक्रिया दी जा रही है, जहां रियान पराग की जा रही है तारीफ और हर्षल पटेल पे भड़का है पूरा का पूरा भारत। क्या चल रहा है ट्विटर पे ये मां जरा बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। मुकाबला था ये राजस्थान और बेंगलोर के बीच में, जहां पे जीत मिल गई राजस्थान की टीम को एक लो स्कोरिंग मुकाबले में भी, जहां उन्होंने रोक लिया 145 रन बनाने से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को और कर दिया उनकी पूरी ही टीम को ऑल आउट। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे रियान पराग, जिनके ऊपर आज के मुकाबले से पहले काफ़ी दिग्गज कहते थे, काफ़ी फैंस में ये बातें चलती थी कि रियान पराग को खिलाया क्यों जाता है, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं उनके बल्ले से। कुछ 35-40 मुकाबले आईपीएल में खेल चुके हैं और मात्र एक ही अर्धशतक इस खिलाड़ी ने अभी तक जड़ा है। कुल मिला के 390 के आसपास रन्स थे इस मुकाबले से पहले, लेकिन आज जब कोई भी बल्लेबाज 25-30 पे मुश्किल से पहुंच पा रहा था, वहां पर रियान पराग के बल्ले से आता है अर्धशतक। उसके बाद बता दिया जाए उसी पारी के अंत पे आखिरी गेंद पे रियान पराग और हर्षल पटेल के बीच में एक गर्मो गर्मी का माहौल आया था, जहां पे हम देखते हैं दोनों खिलाड़ी आपस में बहस पड़े थे। वो तो उसके बाद राजस्थान के एक मैनेजमेंट स्टाफ ने आके उस लड़ाई को थोड़ा सा सॉल्व करवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्रिकेट के बड़े बड़े नाम, भला वो मोहम्मद कैफ, भला वो हरभजन सिंह या वो हर्षा भोगले, हर एक खिलाड़ी ने की आज तारीफ रियान पराग के इस परफॉर्मेंस की, लेकिन सबने साथ में एक ही बात ऐड की है कि रियान पराग जो नाम है जी, अभी के लिए ये नाम आपके लिए थोड़ा छोटा ज़रूर है, आने वाले समय में इस खिलाड़ी को अपने आप को प्रूव करना होगा। इस तरह से आज प्रूव किया है, अभी काफ़ी कुछ है प्रूव करने को इस खिलाड़ी को अपने पास। साथ ही में हर्षा भोगले ने आज की है तारीफ राजस्थान रॉयल्स की, उन्होंने यही कहा कि मुकाबला जितने से जितना भी छोटा हो, जितने कम आप स्कोर्स बनाएं, राजस्थान रॉयल्स के पास वो दमखम भरी हुई गेंदबाजी लाइनअप है, जिसमें आप देख सकते हैं बेहद आसानी से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आज जिस तरह हमने देखा कि 145 रन भी डिफेंड कर लिए और हार थमाई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को। सबसे बड़ी बात कहाँ आती है, जिसके कारण हर्षल पटेल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं। जब वो मुकाबला ख़त्म हुआ, जब प्लेयर्स हैंडशेक करते हैं, मीट एंड ग्रीट करते हैं, वहाँ पे कुछ किया ऐसा हर्षल पटेल ने जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, जब मुकाबला चल रहा होता है कुछ गर्मो गर्मी के मोमेंट्स आते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो भी आपके मुकाबले की बातें हैं, जो भी आपके मुकाबले में बहस होती है, उसे ग्राउंड पर ही छोड़ दीजिए। जब मुकाबला ख़त्म हुआ, रियान पराग जा रहे थे हैंडशेक के लिए हर्षल पटेल के साथ, लेकिन जिस तरह से मेरे पीछे फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, हर्षल पटेल ने वह हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वो रियान पराग को इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, जो कि काफ़ी नॉन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिहेवियर हमें देखने को मिला आज हर्षल पटेल की तरफ से। ट्विटर पे कुछ फैंस का इसके फेवर में रिएक्शन है तो कुछ फैंस इसके अगेंस्ट है। जो फैंस इसके फेवर में है वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले हर्षल पटेल ने अपनी बहन को गंवाया है, तो वो इस समय काफ़ी इमोशंस के बीच में से निकल रहे हैं, उसके चलते उन्होंने उनके साथ सहानुभूति दी है। जहाँ पे कुछ फैंस ये भी आलोचनाएं जता रहे हैं कि हर्षल पटेल पिछले सीज़न में पर्पल कैप जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा घमंड में है, काफ़ी ज़्यादा ईगो में है, जिसको उसे नीचे कर देना चाहिए और मुकाबले की बात को मुकाबले में ही छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो हमने देखा, ये राइवलरी यहाँ पे अंत पे तो नहीं गई है, बल्कि एक नई राइवलरी के आगाज पे गई है, जहाँ पे रियान पराग और हर्षल पटेल की राइवलरी देखना होगा आने वाले समय में क्या मोड़ लेके जाती है। आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में आप बताइए हर्षल पटेल का ऐसा करना आपके अकॉर्डिंग किस हद तक सही और किस हद तक है गलत। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को, जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, वो भी सबसे पहले।